मॉन्स्टर वर्ल्ड के दो राजा किंग कॉन्ग और गॉडज़िला। गॉडज़िला जो कि मगरमच्छ और डायनासोर के मिक्सचर का एक बड़ा वर्जन है। किंग कॉन्ग जो कि एक नॉर्मल गोरिल्ला का एबनॉर्मल रूप है। क्या होगा जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे और इस जंग में किसकी जीत होगी, ये तो नहीं पता। लेकिन ये पता है कि अगर ऐसी ही ठंड पड़ती रही तो भाई साहब मुझे नहाना बंद करना पड़ेगा। तो एनीवे आते हैं अपने असली रूप में। अब ठीक है। किंग कॉन्ग के नाम में है किंग मतलब राजा और गॉडज़िला के नाम में है गॉड यानी भगवान। तो आज हम जानेंगे कि राजा और भगवान की लड़ाई में आखिर कौन जीतेगा और आखिर ये दोनों क्यों भिड़ेंगे आपस में। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है आज के बालू वीडियो में। करोड़ों साल पहले जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी जितनी आज के समय में है, तब सन का रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ पर आया करता था। मतलब सूरज से निकलने वाली घातक अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे धरती पर आया करती थी और इसी वजह से धरती पर कुछ अजीबो गरीब और काफी बड़े साइज के जानवर उत्पन्न हुए थे। हालांकि इंसान अभी इस समय उस रेडिएशन में जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए उसको ओजोन लेयर की बहुत जरूरत है। लेकिन उस समय के बड़े क्रिएचर्स इसी रेडिएशन और इसी सनलाइट का इस्तेमाल करके खुद को ग्रो करते थे और जिंदा थे। ठीक वैसे ही जैसे कि जादू सूरज की रोशनी से शक्तियां लेता था, ये अजीबोगरीब डायनासोर जैसे दिखने वाले विशाल जानवर पूरी धरती पर हर तरफ फैले हुए थे। पूरी धरती पर इनका राज था और ये काफी ज्यादा वायलेंट थे। मतलब ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते थे, कभी कभी तो एक दूसरे को खा भी जाते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड धरती से आकर टकराया और ये टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि इस एस्ट्रॉयड और धरती की टक्कर की वजह से धरती में एक काफी गहरा गड्ढा हो गया। मतलब आप मान लीजिए एक तरीके से धरती अंदर से खोखली सी हो गई, पूरी धरती नहीं धरती का एक हिस्सा, और इस हिस्से की मिट्टी धरती में हजारों किलोमीटर ऊपर तक उछल गई और इसकी वजह से इतनी ज्यादा धूल और इतनी ज्यादा मिट्टी हवा में थी कि सूरज की रोशनी कई सालों तक धरती तक पहुंच ही नहीं पाई। मतलब जैसे आज हमारे पास ओजोन लेयर है, वैसे उस टाइम के जीवों के पास बन गई थी मिट्टी की लेयर। हालांकि ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, क्योंकि इस लेयर और मिट्टी की वजह से सूरज की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पा रही। मतलब आप इमेजिन करो, धरती पर कई सालों तक केवल रात रही, कभी दिन ही नहीं हुआ। अब आप बोलोगे गौरव भाई, गॉडज़िला और किंग कॉन्ग की लड़ाई तो ठीक है, तुम हमें ये हजारों साल पीछे क्यों ले गए और इन डायनासोर जैसे जीवों का इस लड़ाई से आखिर क्या रिलेशन है? तो रुको जरा, सब्र करो, सब बताता हूँ। क्योंकि इसी कहानी के अंत में आपको पता चलेगा कि कैसे ये विशालकाय किंग कॉन्ग इंसानों की दुनिया में आया। जब कई सालों तक इस धरती पर रात रही, तब सूरज की रोशनी और रेडिएशन न मिल पाने की वजह से ये बड़े बड़े जानवर मरने लगे, क्योंकि इनको ऊर्जा नहीं मिल रही थी और ये उसी रेडिएशन पर जीवित रहते थे। साथ ही साथ धरती का एक बड़ा हिस्सा अंदर तक खोखला हो गया था। ये काफी ज्यादा गहरा गड्ढा था जिसके अंदर एक नई दुनिया का निर्माण हुआ। धरती की गहराइयों में छिपी हुई इस दुनिया में अजीब और नए तरीके के अलग अलग जानवर रहते थे। कई हजारों सालों में इस धरती के गड्ढे के अंदर एक अजीब सी नई दुनिया का निर्माण हो गया था जिसका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं था। और इन्हीं हजारों सालों के दौरान डायनासोर्स की और इन बड़े जीवों की मौत की वजह से धीरे धीरे इंसानों का इस धरती पर कब्जा होने लगा था और इसी गड्ढे के अंदर रहते थे किंग कॉन्ग के पूर्वज। इस गड्ढे का सीधा धरती के पोर से संपर्क था, तो यहाँ से आने वाली गर्मी और रेडिएशन से एनर्जी लेकर वो जीव जिंदा रहते थे। और धरती के ऊपर वाले वो डायनासोर्स, वो बड़े क्रीचर्स भी उस गड्ढे के अंदर आने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यहाँ पर एक एनर्जी का सोर्स है जो काफी हद तक सूरज की तरह है। अब यहाँ पर किंग कॉन्ग के पूर्वजों और उन अजीब से क्रीचर्स के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई जिसमें किंग कॉन्ग के पूर्वज हार गए और सबके सब मारे गए। अब ये डायनासोर जैसे दिखने वाले विशाल जानवर धरती के अंदर रहने लगे और धरती के ऊपर रहने वाले आदिवासी इनको स्कल क्रॉलर्स बुलाते थे, क्योंकि कई सैकड़ों सालों के इवोल्यूशन के बाद ये स्कल क्रॉलर्स कुछ ऐसे दिखाई देने लगे थे। और उस गड्ढे के अंदर रहने वाले किंग कॉन्ग के पूर्वजों में से एक, जो खुद किंग कॉन्ग था, वो धरती के बाहर आकर रहने लगा। वो जंगल के एक ऐसे इलाके में रहने लगा जिसका इंसानों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। उसने धरती के वातावरण में रहना सीख लिया और उसने अपने आप को बाहरी दुनिया के हिसाब से पूरी तरह से ढाल लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि भैया जंगल में किंग कॉन्ग अकेला रहता था, क्योंकि जंगल में रहते थे आदिवासी और आदिवासियों का शिकार करते थे जमीन से निकलने वाले ये स्कल क्रॉलर्स। लेकिन चूंकि किंग कॉन्ग अपने पूर्वजों की मौत से काफी दुखी था, इसलिए वो इंसानों की रक्षा करता था और जमीन से निकलने वाले इन दैत्यों, इन स्कल क्रॉलर्स को वो मार कर भगा देता था। और इसी वजह से इंसान किंग कॉन्ग को अपना रक्षक मानते थे, उसे देवता की तरह पूजते थे। तो ये थी कॉन्ग की कहानी, जो जंगल में रहता था, आदिवासियों का देवता था और इंसानों का रक्षक था। अब जानते हैं गॉडज़िला की उत्पत्ति की कहानी, जो
आप लोगों को ऑलमोस्ट पहले से ही पता होगी कि एक न्यूक्लियर टेस्ट या एक न्यूक्लियर रेडिएशन से होने वाले रिएक्शन की वजह से एक अननोन स्पीशीज का एक जानवर गॉडज़िला बन गया जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन इसे भी ह्यूमैनिटी का रक्षक माना जाता था क्योंकि इसने कई बार धरती पर इंसानों की रक्षा अलग अलग मॉन्स्टर से की थी। देखो गॉडज़िला की उत्पत्ति की जो कहानियां है वो हर मूवी में अलग अलग है, लेकिन बस एक बात कॉमन है कि इस धरती पर दो ही विशाल जानवर है, एक गॉडज़िला और दूसरा किंग कॉन्ग। और अब हम जानने वाले हैं कि अगर ये दोनों आपस में लड़ गए किसी वजह से तो आखिर जीत किसकी होगी। किंग कॉन्ग की हाइट करीब 350 फीट है और कहा जाता है कि इसका 90,000 टन तक का वजन होता है, और वहीं पर गॉडज़िला करीब 380 फीट का है। देखा जाए तो करीब करीब इन दोनों की हाइट ऑलमोस्ट बराबर ही है, लेकिन जब गॉडज़िला खड़ा होता है तब वो 380 फीट का होता है, लेकिन अगर उसके सिर से लेकर उसकी पूंछ तक की लंबाई नापी जाए तो वो गॉडज़िला से करीब दुगुने साइज का है और इसका वजन होता है करीब 164,000 टन। एनीवे डिफरेंट मूवीज में इसकी हाइट और इसके वेट के अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, लेकिन किसी भी मूवी में आपको ये नहीं बताया होगा कि गॉडज़िला का मतलब क्या होता है। मैं बता देता हूँ, गॉडज़िला मतलब भगवान का जिला। यार मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे भी गॉड का नाम रख लेने से कोई गॉड नहीं बन जाता। अगर हम खूबियों की बात करें तो भैया किंग कॉन्ग के हाथ काफी बड़े हैं, काफी शक्तिशाली हैं और वो अपने हाथों का इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन गॉडज़िला के हाथ ज्यादा किसी काम के नहीं है क्योंकि उसके बहुत छोटे छोटे हाथ हैं, जबकि किंग कॉन्ग चाहे तो अपने हाथों का इस्तेमाल करके किसी चीज को उठा सकता है और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वो गॉडज़िला पे किसी भी चीज को फेंक कर मार सकता है, लेकिन गॉडज़िला ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन भैया गॉडज़िला के हाथ छोटे हुए तो क्या, उसके पास है एटॉमिक ब्रीथ, मतलब उसकी सांसों की बदबू। कतई जब गॉडज़िला ये रेडिएशन बीम अपने मुंह से निकालता है तो वो एक बार में पूरा का पूरा शहर जला सकता है। गॉडज़िला की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड होती है, उसकी स्किन को देखकर तो किंग कॉन्ग भी कहता है बहुत हार्ड, क्योंकि भैया उसकी स्किन मगरमच्छ से भी ज्यादा सख्त है। कई मूवीज में तो ये तक बताया गया है कि एटॉमिक बम का भी उसकी स्किन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि गॉडज़िला खुद एटॉमिक एनर्जी को सोख लेता है। साथ ही साथ गॉडज़िला के जीतने की संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि भैया गॉडज़िला ने आखिर कई सारी मूवीज में किंग कॉन्ग से भी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हराया है। लेकिन भैया कॉन्ग के पास एक खूबी कि वो गॉडज़िला से ज्यादा फुर्तीला है, ज्यादा उछल कूद मचा सकता है, लेकिन एटॉमिक ब्रीथ की तरह उसके पास कोई वेपन नहीं है। तो भैया अगर गॉडज़िला और कॉन्ग की लड़ाई होती है और कॉन्ग के पास कोई हथियार नहीं है तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि गॉडज़िला इस जंग में जीत जाएगा। लेकिन जैसा कि बताया जाता है, कॉन्ग के पास एक पुराने जमाने की एक्स है, एक ऐसी कुल्हाड़ी जो कि रेडिएशन को सोख सकती है, तो अगर कॉन्ग उस हथियार का इस्तेमाल करता है तब शायद वो गॉडज़िला से जीत जाए। खैर दोनों में से कोई भी जीते, जब इन दोनों की लड़ाई अगर सच में होगी तो भैया सबसे ज्यादा नुकसान अपन लोगों का ही होगा क्योंकि भैया इनकी लड़ाई में घर अपने टूटेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि भैया आप कौन सी साइड पे हो, कॉन्ग गैंग या फिर गॉडज़िला पार्टी, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा। एनीवे इस वीडियो को बनाते समय मैंने हॉलीवुड की मूवीज के इतने सारे सीन्स देखे कि मुझे लगने लग गया कि यार ये बॉलीवुड वाले आखिर पुरानी फिल्मों के रीमेक बनाना छोड़कर ऐसी मूवीज कब बनाएंगे जिन्हें देखकर हमारा चाइल्डहुड ऑसम बन गया था। तो भैया बॉलीवुड वालों, अगर तुम में से कोई भी वीडियो देख रहा है तो ये पठान शठान से थोड़ा ऊपर उठो, कुछ बेहतरीन, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ। एनीवे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय हॉलीवुड। एनीवे वीडियो के आखिर में मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि भैया चाइना के समुद्र में एक ऐसा जानवर मिला है जिसको लोग ह्यूमनॉइड गॉडज़िला बोल रहे हैं क्योंकि इसका साइज 6 फीट से ज्यादा है और ये गॉडज़िला की तरह दिखता है। इसका शरीर काफी ज्यादा विकसित था और ये बिल्कुल हूबहू देखने में गॉडज़िला की तरह लग रहा था। फिलहाल अभी तो ये काफी छोटा है, क्या पता एज बढ़ने के साथ साथ इसका साइज भी गॉडज़िला के बराबर हो जाए और हमको गॉडज़िला की लड़ाई किसी मॉन्स्टर के साथ रियल लाइफ में देखने को मिले। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो देखने में आप लोगों को मजा आया होगा, अगर ऐसा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, हेल ऑफ ज़ॉम्बी के एपिसोड 2 के बारे में एक छोटा सा अपडेट है कि उसकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और अब उसकी शूटिंग होना बाकी है, तो आपको 1.5-2 महीने के अंदर इसका सेकंड पार्ट देखने को जरूर मिल जाएगा। एनीवे तुम किंग कॉन्ग की साइड हो या गॉडज़िला की, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, तो सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और लाइक भी कर जाना यार, बहुत कम लाइक करते हो आजकल तुम वीडियो को, कमेंट भी छोड़ देना अच्छा सा। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।